हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में FM व्हाट्सएप एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो इस वीडियो का आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले कि FM व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन V10.03 को कैसे अपडेट करना है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ FM व्हाट्सएप V10.03 और इसका इंटरफेस यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन पर कि FM व्हाट्सएप है, ठीक है। और मैंने इसको जो है ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे व्यूवर्स ने मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है, मैंने इस ऐप का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, जो कि दोस्तों देखते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट किया है कि उनका एक ही प्रॉब्लम है सेम टू सेम सभी का, जिसमें जो है ये ऐप जो है इंस्टॉल उनके फ़ोन में नहीं हो रहा है। तो अगर ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो अपडेट कैसे कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम आपको कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिसे आप अपडेट कर पाओगे, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम चैनल से यहाँ से अपडेट नहीं होता है तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दूंगा जहाँ से आप अपडेट कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने डाल दिया एक लिंक, जो है मैं नीचे भी डाल दूंगा यहाँ पे, जैसे वीडियो अपलोड होने से पहले टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डाला जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे आकर के उसको जो है यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा उस ऐप को। लेकिन चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता दूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कि ये गूगल क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को मोबाइल फोन में ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है, देखिए लिखा हुआ FM व्हाट्सएप V10.03 डाउनलोड, इसको जैसे आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे साइट से आ जाएगा कुछ इस तरीका का। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले साइट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो मैं इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। देखिए अब आपको आना है नीचे की तरफ, यहाँ पे जैसे आप आइएगा तो यहाँ पे लिखा हो डाउनलोड APK नाउ, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आएगा और कुछ इस तरीका से लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्जन क्या है 10.3, ठीक है, और इसका MB साइज क्या है, व्हाट्सअप और ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब चलिए इसको करेंगे नीचे की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड FM व्हाट्सएप APK V10.3, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं सिर्फ इसी का डायरेक्ट लिंक दे, इसमें देखिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है जिसमें लिखा हुआ आता था पहले यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉग इन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर दिया गया है इसमें, तो ये यहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो देखिए इसका क्या करेंगे कि यहाँ से हम सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में लाइव प्रूफ हम डालते हैं, आप वीडियो पब्लिक होने से पहले आप जो है इसको क्या करिएगा, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अभी, उसके बाद वीडियो जैसे पब्लिक हो जाएगा तो आप लोग देख करके यहाँ पर आ जाइएगा। चलिए यहाँ पे साइट जैसे आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना है, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे आप पहुँच गए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आ गए डायरेक्ट, जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर बताया था आपको, क्रोम ब्राउज़र में देखिए इसको करेंगे यहाँ से बैक, तो क्रोम ब्राउज़र में इसी साइट पर आए थे इसी स्टेप में, ठीक है, इसी सेटिंग में यहीं पर आए थे प्रोसेस में। इसी तरीका से दोस्तों जैसे आप, चलिए इसको हम कट कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप यहीं पे आ जाइएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉग इन, इसको फिक्स कर दिया गया इसमें। तो यहाँ पर क्या करने का, आपको डाउनलोड FM व्हाट्सएप APK V10.3 के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन पर कि डाउनलोड अगेन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से सिर्फ आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है कुछ इस तरीका से। देखिए सेम टू सेम यही भी मैंने नीचे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने अपडेट किया हुआ डाउनलोड करके, और इसका लिंक जो है दोस्तों मैं आपको डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है डाउनलोड हो जाता है, तो मैं लाइव प्रूफ डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से भी जाकर के दोस्तों, या तो ऐप से होगा तो ऐप से आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, या लिंक से आकर के आप यहां पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। दो तरीका मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, पहला तो है मैं इसको जो है अभी लाइव प्रूफ आपको डालकर दिखाऊंगा जो कि अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेट अभी कुछ फास्ट चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर जल्दी इंस्टॉल हो गया है, कुछ इस तरीका से इंस्टॉल यहाँ पे हो गया है। अब चलिए थ्री लाइन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अभी हम टेलीग्राम ऐप पे डायरेक्ट हम डाल देते हैं। चलिए टेलीग्राम ऐप पे आ गए और यहाँ पे हम शेयर कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शेयर भी हो गया है और फास्ट में यहाँ पर अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पब्लिक होने से पहले ये सभी चीज़ जो है यहाँ पर पब्लिक हो जाएगा, और ये तो पब्लिक कर दिया है मैंने अभी लाइव प्रूफ में। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको दो प्रोसेस इस वीडियो में बता दिया है, पहले देखिए दोस्तों प्रोसेस ये है जिस पे आप क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस पे हम क्लिक कर देते हैं और इस साइट पे आ जाइएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद दोस्तों पहला इससे डाउनलोड कर लीजिएगा तो इससे हो जाएगा तो अच्छी बात है, और इससे नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं लिंक डाल दिया हूँ, इससे डाउनलोड करके यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा।
अब चलिए हम आते हैं क्रोम ब्राउजर में और यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है और यही ऐप मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पर डाला है और यही ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है क्रोम ब्राउजर में जा करके। तो क्रोम ब्राउजर में कैसे आइएगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा तो क्रोम ब्राउजर में आ जाएगा और क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड कीजिएगा तो ये ऐप यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। चलिए देखिए यहाँ पर लाइव प्रो में आपको बता दो कि इंस्टॉल होगा, ठीक है, इंस्टॉलिंग यहाँ पर हो रहा है तो चलिए थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल कंप्लीट हो गया कुछ इस तरीका से और यहाँ पे स्कैन हो रहा है जो कि सिक्योरिटी स्कैन यहाँ पे हो रहा है। जैसे सिक्योरिटी स्कैन कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और देखिए दोस्तों हमारा जो है फिर व्हाट्सएप ओपन हो भी गया है सक्सेसफुली। चलिए मैं इसका लिंक दिखाता हूँ कौन सा वर्जन है, थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक नहीं, एफ एम वर्ड्स पर आएंगे, अवार्ड पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एफ एम व्हाट्सएप भी 10.03। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको लाइव प्रूफ देखी, मैंने दो तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दो तरीका क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करें कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो टेलीग्राम एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले माइंडसेट ऑल टेक्निकल मेरे जो है टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लेना है आपको। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ से डाउनलोड कर दिएगा तो यहाँ देखिए आपके जो है डेस्कटॉप वर्जन जो क्रोम ब्राउजर है उसमें जो है सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेव हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे डाउनलोड पे आइएगा तो यहाँ पे सेव हो जाएगा तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा तो यहाँ से सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। और मैंने इसी ऐप का जो है लिंक जो है टेलीग्राम चैनल के नीचे यहाँ पे देखिए डाल दिया इस लिंक के नीचे, तो यहाँ से भी क्लिक करके यहाँ से जो इंस्टॉल कर लीजिएगा। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, फिलहाल अभी ये दोनों तरीका मैं आपको बताया हूँ। देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या होता है। तो मैं इस टेलीग्राम जो है चैनल पर मैं और भी लिंक डालता रहूँगा, जैसे जैसे नया नया वर्जन आते रहेगा तो वैसे वैसे मैं डालता रहूँगा, ठीक है। अभी जो है दो ही ऑप्शन आया है जिसमें इस लिंक के थ्रू मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया है जो कि मैंने शेयर किया यहाँ पे और दूसरा ये लिंक है, ठीक है। अब यही सॉल्यूशन है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस जो भी मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन बताया है उसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है आप कमेंट करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता दीजिएगा, मैं और भी लिंक डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों इस तरीका से अगर आप जो है फिर व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अपडेट करोगे तो आपका कोई भी डाटा वगैरह लॉस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना तक, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेटवर्क के साथ। तकली जय हिंद, वंदे मातरम।